नमस्कार दोस्तों अपना एग्जाम के आप इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है आज हम अगली शिफ्ट के जो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हैं जो आपके एसएससी जीडी में तेईस के अंदर पूछे गए थे जनवरी माह में उन 20 क्वेश्चनों पर आज हम डिस्कस करेंगे तो पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन आपका एनालॉजी से है और आपको बताना है कि जो ये शब्द हैं इनके मध्य एक निश्चित संबंध है उसी तरीके से इस शब्द तथा इस शब्द के बाद में कौन सा शब्द आएगा वह बताना है आपको बताइए अपना आंसर बताइए अब देखो आप एम अंग्रेजी वर्णमाला के स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में किस स्थान पर आता है एम का क्रमांक आपके तेरह इसी तरीके से के का क्रमांक कितना है आपके ग्यारह अब देखो इनके मध्य क्या है माइनस टू अब देखो यहाँ पे क्यों आता है आपके सत्रह पर ओ आता है आपके पंद्रह पर मतलब यहाँ भी क्या हो रहा है माइनस टू अब यहाँ पे देखो जेड आता है आपके छब्बीस पर अच्छा छब्बीस में दो माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा चौबीस चौबीस पर क्या आता है आपका एक्स मतलब शब्द किससे स्टार्ट होगा एक्स से होगा मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका कैंसिल हो गया अब देखो यूं आपका कितने पर आता है यूं आता है आपके इक्कीस पर वी का क्रमांक कितना है वी का क्रमांक आपके बाईस इसी तरह के यहाँ देखो यूं आता है आपके इक्कीस पर वी आता है आपके बाईस पर मतलब सेकेंड शब्द क्या हो रहा है एक अधिक हो रहा है ये आता है आपके पांच पर और ए का के बाद में क्या आएगा एफ आएगा मतलब ऑप्शन नंबर फोर भी क्या हो गया आपका गलत हो गया अब देखो जेड आता है आपके जेड का क्रमांक आपके ट्वेंटी सिक्स इसी तरीके से एक्स का क्रमांक कितना होगा ट्वेंटी फोर मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है दो माइनस अब देखो ए आता है आपके एक पर और वाई कितने पर आता है आपके पच्चीस पर यहाँ पे भी क्या हो रहा है ऐसे पीछे की तरफ चलेंगे तो कितने हो रहे हैं माइनस टू अब यहां पे देखो जेड आता है आपके यहां पे देखो बी आता है आपके दो पर अब दो में बी में दो माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको जेड आ रहा है आपके छब्बीस पर एक्स आ रहा है आपके चौबीस पर दो माइनस ए आ रहा है एक पर और वाई आ रहा है आपके पच्चीस पर अभी आप देखो बी बी में दो माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको जेड प्राप्त होगा तो जेड किस में तीसरा शब्द कौन सा होगा आपके जेड जेड किस ऑप्शन में आपके ऑप्शन नंबर तीन में है तो ऑप्शन नंबर टू आपका गलत हो गया सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर तीन आपका सही आंसर है अब देखो अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से है यदि इस शब्द को यह लिखा जाता है इस शब्द को ये लिखा जाता है आपको बताना है इस शब्द को क्या लिखा जाएगा अब देखो शब्द क्या है आपके अब देखो सी सी का क्रमांक कितना होता है तीन एल का क्रमांक कितना होता है बारह यू का क्रमांक कितना होता है इक्कीस का होता है आपके बीस सी का होता है आपके तीन एच का होता है आपके आठ ये इनका क्या है क्रमांक है अंग्रेजी मर्णमाला के अनुसार इसी तरीके से डी आता है आपके चार पर एन आता है आपके डी आता है आपके चार पर एन आता है आपके चौदह पर एक्स आता है आपके चौबीस पर फिर एक्स आता है आपके चौबीस पर एच आता है आपके आठ पर एन आता है फिर आपके चौदह पर अब आपको बताना है इनके मध्य क्या अंतराल है अब देखो सी एल यू टी सी और एच इनको लिखा क्या गया है डी एन एक्स फिर एक्स फिर एच और फिर एन ये इनको लिखा गया है अब देखो यहाँ पे क्या है एक अधिक एल से दो अधिक यू से एक्स एक इक्कीस से चौबीस तक तीन अधिक टी से एक्स चार अधिक सी से एच कितने अधिक पांच अधिक और एच से एन मतलब छ अधिक मतलब पहले एक अधिक फिर दो अधिक फिर तीन अधिक फिर चार अधिक सरफराज खान धन्यवाद आपका अब देखो सब में क्या हो रहा है जेड आपका कितने जेड आपका आएगा छब्बीस पे आएगा अब देखो पहले एक अधिक फिर दो अधिक फिर क्या तीन अधिक फिर चार अधिक ऐसे हो रहा है यहाँ पर भी देखो सी से डी तक एक अधिक आर से टी तक दो अधिक ई से एच तक तीन अधिक और डी से एच तक चार अधिक आई से एन तक कितने अधिक पांच अधिक और टी से जेड तक कितने अधिक हो गए छ अधिक इसी तरीके से इस शब्द का देखो W आता आपके तेबीस पर पहले क्या होगा एक अधिक मतलब चौबीस चौबीस पर क्या आता है आपका अंग्रेजी में X आता है मतलब X से स्टार्ट होगा शब्द फिर कितना A में दो ऐड करोगे तो क्या आएगा C X के बाद क्या आएगा C तो मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका गलत हो गया फिर कितने अधिक होंगे तीन एल आता है आपके बारह पर और बारह में तीन अधिक करोगे तो क्या आएगा पंद्रह और पंद्रह पर क्या आता है आपका ओ आता है तो एक्स सी ओ तो ये भी गलत हो गया क्योंकि एक्स सी के बाद में क्या आएगा ओ आएगा फिर आता है एल आता है आपके बारह पर आप कितने अधिक करोगे चार तो बारह चार सोलह सोलह पर क्या आता है आपका पी आता है तो ओ के बाद में क्या आएगा पी आएगा यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया बचा कौन सा ऑप्शन नंबर टू आपका बिल्कुल सही आंसर है क्लियर है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अब देखो अगला क्वेश्चन आपका श्रेणी से है इस प्रकार आपको क्या दी गई है शब्दों की श्रेणी दी गई है और आपको पता है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा बताइए जल्दी से अपना आंसर अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करो अब देखो सबसे पहले क्या करोगे इनको क्रमांक दो आप जैसे एच आता है आपके आठ पर पी आता है आपके सोलह पर सभी का क्या पहला पहला अक्षर देखो आप पहला पहला लेटर देखो सभी का एक्स आता है आपके चौबीस पर एफ आता है आपके छ पर अब देखो आप आठ से सोलह कितने अधिक आठ अधिक और सोलह से चौबीस आठ अधिक अब चोइस में आठ ऐड करो, एड करोगे तो आपको छ ही प्राप्त होंगे एफ ही प्राप्त होगा अब चोइस के बाद में क्या करोगे वाई और जेड दो अक्षर तो ये हो गए फिर ऐसे श्रृंखला आपकी स्टार्ट हो जाएगी तो क्या हुआ एप, अब छ में आठ ऐड करोगे तो क्या आएगा चौदह चौदह पर क्या आता है आपका एन आता है तो कौन सा अक्षर पहला लेटर क्या होगा एन होगा एन देखो कौन से ऑप्शन में ओनली ऑप्शन नंबर तीन में ही है जो शब्द एन से प्रारंभ है और बाकी सभी क्या है गलत है अगला क्वेश्चन है आपका अब देखो अगला क्वेश्चन आपका दर्पण प्रतिबिंब से है आपको बताना है कि शब्द कैसा दिखाई देगा दर्पण प्रतिबिंब का तो आपको पता ही होगा कि दर्पण प्रतिबिंब में आकृति का बाया हिस्सा दाई तरफ दाया हिस्सा बाई तरफ दिखाई दे दिखाई देता है तथा लेटर है लेटर का लेटर भी बाया यदि शब्द है तो बाई तरफ से स्टार्ट होगा और दाया हिस्सा बाई तरफ दिखाई देगा तथा शब्द का मुंह है विपरीत दिशा में हो जाता है अब देखो ऐस है अब एस आपको विपरीत होगा तो एस कैसे दिखाई देगा आपको ऐसे एस ऐस दिखाई देगा एस कैसे दिखाई देगा आपको ऐसे एस दिखाई देगा सभी में एस है अब पांच क्या है पांच आपको उल्टा दिखाई देगा ऐसे दिखाई देगा पांच पांच सभी में उल्टा है एच को आप कैसा भी लिखो एच एस आपको ऐसा ही नजर आएगा सभी में एच है ऑप्शन नंबर तीन आपका क्या हो गया यहाँ से गलत हो गया फिर एच के बाद है क्या आएगा छः कैसा दिखाई देगा आपको ऐसे दिखाई देगा ऐसे देखो छ किस में इसमें नहीं है ये गलत हो गया छः छह के बाद में आठ आठ आपको ऐसा ही दिखाई देगा आई भी आपको ऐसे कैसे दिखाई देगा आई के बाद में क्या है बी अब बी आपको दिखाई कैसे देगा डी की तरह दिखाई देगा बी कैसा दिखाई देगा आपको डी की तरह दिखाई देगा दोनों में है अब बी डी है वो कैसे दिखाई देगा आपको बी की तरह दिखाई देगा अब डी के बाद में कहेगा बी यहाँ पे क्या आ रहा है डी तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया बचा कौन सा ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही आंसर है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब देखो अगला क्वेश्चन आपका फिर से कोडिंग डिकोडिंग से यदि इस शब्द को यह लिखा जाता है तो आपको बताना इस शब्द को क्या लिखा जाएगा अब देखो शब्द है आपके क्या आपका शब्द है सी ओ एम बी ए आपका शब्द है इसको लिखा क्या गया है एन पी डी सी फिर से डी अब आपको इनका क्रमांक तो याद होगा जो क्रमांक लिख देता हूं फिर भी सी आता आपके तीन पर ओ आता आपके पंद्रह पर एम आता आपके तेरह पर बी आता है दो पर ए आता है एक पर टी आता है आपके बीस पर इसी तरीके से एन आता है आपके चौदह पर पी आता है आपके सोलह पर डी आता है आपके चार पर वी आता है आपके बाईस पर सी तीन पर और डी फिर चार पर अब देखो इनके मध्य संबंध देखो आप अब देखो अब सी से एन की तरफ देखो इनके मध्य आपको कोई संबंध नहीं है अब इनको देखो क्या है ये एक क्रोस है क्या है रिवर्स है अब देखो यहां तक देखो आप क्या है के रिवर्स है जैसे एम से देखो आप एन की तरफ कितने हो रहे हैं यहां पे प्लस वन क्या हो रहा है प्लस वन अब देखो ओ से पी की तरफ देखो आप ओ से पी की तरफ देखो क्या हो रहा है प्लस वन अब देखो आप सी से डी की तरफ देखो क्या हो रहा है यहाँ पर भी हो रहा है आपका प्लस वन मतलब जो शुरुआती तीन लेटर हैं उनमें क्या हो रहा है प्लस वन हो रहा है और वो क्या है क्रॉस से रिवर्स हो रहा है अब इनको देखो आप अब टी से वी की तरफ देखो क्या हो रहा है यहाँ पे यहाँ पे हो रहा है आपका प्लस टू अब देखो ए से से की तरफ देखो यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस टू अब क्या बी से डी की तरफ देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका प्लस अब देखो शुरुआती तीन अक्षरों में रिवर्स हो रहा है क्या हो रहा है प्लस वन के साथ है? वो परिवर्तन हो रहे हैं और अंतिम तीन लेटर कैसे परिवर्तन हो रहे हैं रिवर्स हो रहे हैं और प्लस टू के साथ परिवर्तन हो रहे हैं इसी तरीके से आपको क्या लिखना है इस शब्द का लिखना है कौन सा शब्द है आपका आपका शब्द है एफ एस डी जी वी और सी इनका होगा क्या क्रोस होंगे कैसे होंगे जैसे ये शब्द एक परिवर्तन होके यहां पे आएगा यह शब्द एक परिवर्तन होके यहां पे आएगा और यह शब्द एक परिवर्तन होके यहां पे आएगा आएगा क्या अब इनमें क्या होगा ये शब्द एक परिवर्तन यहाँ पे ये शब्द यहाँ पे और ये शब्द यहाँ पे क्रॉस होंगे क्रॉस होंगे यहां पे क्या है यहाँ पे एक प्लस एक होगा प्लस एक होगा अब देखो डी में प्लस एक करने पर क्या आएगा आपको ई एस में प्लस एक करने पर क्या आएगा आपको टी और एफ में प्लस एक करने पर क्या आएगा आपको जी एफ में प्लस ए करने पर क्या आएगा आपको जी आएगा सही है अब देखो यहां पे क्या हो रहा है प्लस टू हो रहा है अब सी में प्लस टू करने पर क्या आएगा, आएगा आपके ई e आएगा वी में प्लस टू करने पर क्या आएगा आपके एक्स आएगा और जी में प्लस टू करने आएगा आपके आई आएगा, आएगा। ये आएगा सॉरी हमने गलत लिख लिया हम इस शब्द का बताना है आपको तो मैं आपको इनको मिटा देता हूँ एक मिनट इनको मिटा देता हूँ इनको अमीन गलत शब्द का डी हमने लिख लिया हमें लिखना है किसका है में लिखना है किसका इस शब्द का लिखना है सी आर ई डी आई व टी आई व टी इस शब्द का डिकोड लिखना है हमें अब कैसे अब देखो ई e में एक प्लस करने पर क्या आएगा आपको ई e में एक प्लस करने पर आएगा आपको एफ आर में एक एस प्लस करने पर आपको एस और सी में एक प्लस करने पर आपको डी यहां पे देखो टी में प्लस 2 करने पर क्या आएगा आपके वी और आई में प्लस टू करने पर आएगा आपके के और डी में प्लस टू करने पर आएगा आपके ई ये आपका क्या होगा डी कोट होगा अब देखो कौन से है एफ एस डी एफ एस डी ओनली ऑप्शन नंबर टू में है तो ऑप्शन नंबर टू आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा बाकी सभी क्या है गलत होंगे रनवे पवन समझ में आया अब अब देखो, अब देखो आपका अगला क्वेश्चन है शब्द कोश से है अब बताना है आपको कि कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा शब्द बाद में आएगा अब बताओ अपना आंसर टाइप करो अब इसमें क्या करना क्या है देखो कि बिन शब्द कौन सा है फिर कर रहे क्या जो अंग्रेजी वर्माला में जो लेटर पहले आता है वही शब्द कोश में भी क्या आएगा पहले आएगा अब देखो बिन देखो पी सब में कॉमन है इसको रहने दो आप छोड़ दो पी के बाद देखो यू सब में है यू को भी रहने दो यू के बाद देखो आप आर आ आता है आपके अट्ठारह पर रहा आता आपके अट्ठारह पर यहाँ पे है टी अरे यहाँ पे क्या है आपके एस अब देखो अब टी व एस से पहले क्या आएगा आर मतलब जो आर है आर वाले जो शब्द हैं वो आएंगे इन दोनों शब्दों से पहले अब आर वाले शब्दों में भी देखो कि पहले कौन आएगा आर के बाद में क्या है यहाँ पे वी यहाँ पे पी फिर यहाँ पे एस और यहाँ पे ई e. इन सभी में पहले क्या आएगा आपके ई e सबसे पहले आता है तो फोर्थ नंबर का शब्द पहले आएगा अब फोर्थ से आपको पता लगाने से पता पड़ गया कि कोई भी शब्द कोई भी फोर्थ से स्टार्ट नहीं हो रहा तो ऑप्शन नंबर तीन आपका सही हो जाएगा फिर भी आपको बता दे दूँ ये हो गया आपके फर्स्ट नंबर पर अब देखो ई e के बाद में क्या आता है ई e के बाद में आता है आपके पी तो तीसरा शब्द हो गया आपके पहले फिर पी के बाद में क्या आएगा आपका एस फिर दूसरा शब्द हो गया फिर होगा आपके पहला इन दोनों में देखो टी व एस से पहले क्या आता है टी पहले एस पहले आता है और पांचवा नंबर का हो गया आपके अंत में ये हो गया देखो आप दिनेश कुमार सैनी जय हिंद आपका ऑप्शन एक किस क्वेश्चन का आंसर बता रहे औ, हो क्वेश्चन नंबर छ का आंसर होगा आपके तीन होगा हाँ, सी आपका सही आंसर है अब देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या गणितीय संक्रिया से आपको जो स्टार की जगह है, आपको इन चारों चिन्हों में से किसी ऑप्शन के में से किसी एक में जो चार चिन्ह है उनको रखना है आपको बताना है कि इक्वल के बराबर कितने प्राप्त हो हैं आपको तीस अब देखो अब ऑप्शन नंबर एक से चेक करते हैं पहले क्या आपके डिवीजन फिर माइनस फिर प्लस और फिर क्या है आपके गुना अब देखो आप यहाँ पे क्या है चौदह एक से डिवाइड हो रहा है फिर माइनस पंद्रह अब अब देखो पिचहत्तर व इक्कीस को गुना करोगे पिचहत्तर व इक्कीस को गुना करोगे तो आपको कितने प्राप्त होंगे पंद्रह सौ पिछहत्तर प्राप्त होंगे जबकि पंद्रह सौ पिछहत्तर थोड़ी सी है हमें तो तीस पंद्रह सौ पिचहत्तर में से पंद्रह माइनस भी कर दो और फिर चौदह ऐड कर दो फिर भी आपको बड़ी संख्या प्राप्त होगी तो ऑप्शन नंबर एक तो आपका क्या हो गया गलत तो ऑप्शन नंबर एक क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया अब ऑप्शन नंबर सेकंड को देखो पहले क्या है गुना फिर क्या है डिवीजन, फिर क्या है डिवीजन फिर प्लस फिर माइनस अब यहां पे देखो आप बोर्ड मास के अनुसार पहले क्या करोगे आप डिवीजन, अब ए का पंद्रह में भाग नहीं जाता पंद्रह में भाग नहीं जाता पंड नजदीकी क्या आपके गुना का साइन है और तो चौदह को भी डिवाइड नहीं करेगा पंद्रह तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी आपका क्या हो गया गलत हो गया अब ऑप्शन नंबर थर्ड को देखो पहले क्या आपके माइनस फिर क्या है गुना फिर प्लस और फिर क्या डिवीज़न अब देखो पिचेतर में इक्कीस का भाग जाता है पिचेतर में इक्कीस का भाग नहीं जाता और नज़दीक में आपके गुना का साइन भी नहीं नज़दीक में क्या आपका प्लस का तो पिचेतर में इक्कीस का भाग नहीं जाता तो ऑप्शन नंबर थर्ड भी क्या हो गया आपका गलत हो गया अब ऑप्शन नंबर फोर्थ को चेक करो अब क्या है यहाँ पे माइनस है यहाँ पे क्या है डिवीज़न है यहाँ पे क्या है गुना है और यहाँ पे क्या है प्लस है प्लस है सॉरी अब देखो पंद्रह का बाग एक में पंद्रह का बाघ नहीं जाता पर नजदीक में क्या है गुना का साइन है तो पंद्रह एक सौ पिछहत्तर को डिवाइड कर देगा जैसे मैं इसको ऐसे लिखूं चौदह माइनस एक डिवाइड बाई पंद्रह गुना कितना है पिचहत्तर प्लस इक्कीस अब देखो पंद्रह एक को डिवाइड नहीं करेगा अपन पंद्रह पिचहत्तर को तो डिवाइड कर देगा कितने होंगे पांच यहाँ पे कितने इक्कीस पांच और इक्कीस कितने हुए आपके पंद्रह गुना पिचहत्तर पाँच प्लस इक्कीस तो पाँच इक्कीस कितने हो गए आपके छब्बीस देखो देखो फिर से देखो आप इसको यहाँ पे आपके मायने डिवाइड फिर यहाँ पे आपके गुना का साइन गुना का साइन फिर यहाँ पे आपके प्लस का साइन अब पांच पांच इक्कीस कितने होते हैं आपके छब्बीस छब्बीस सॉरी ऐसे है चौदह माइनस वन ओपन पंद्रह गुना पिछहत्तर प्लस इक्कीस अब यहाँ पे कितने हो गए पाँच अब क्या हो गया चौदह माइनस पाँच प्लस इक्कीस अब चौदह में से पाँच जाएंगे नौ नौ प्लस इक्कीस कितने होते हैं आपके तीस तो ऑप्शन नंबर फोर ही क्या हो गया आपके सही आंसर हो गया दिनेश कुमार बिल्कुल सही आंसर है आपका अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका गणित श्रेणी से है आपको बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी अब क्या आप श्रेणी देख, को देखते दे, हो आपको पता चलना चाहिए कि श्रेणी किसकी है श्रेणी किसकी है प्लस की या माइनस की है क्योंकि श्रेणी पांच से स्टार्ट हो रही है और पिछयानवे पर श्रेणी समाप्त हो रही है मतलब श्रेणी किसकी है या तो योग की है या माइनस की है अब देखो अंतर देखो इनके मध्य पांच और ग्यारह के मध्य अंतर कितने का है छ का अब देखो सॉरी अब इनको आप एक बार देखो ये श्रेणी किसकी है जोड़ और बाकी नहीं है ये श्रेणी आपके गुणा की अब देखो जब किसने गुणा और ऐड ऐड भी तो हो रहा है किसकी है गुणा की वह प्लस की श्रेणी है अब पांच इंटू दो दस प्लस एक अब ग्यारह इंटू दो प्लस एक कितनी हुई तेबीस अब तेबीस इंटू दो प्लस एक कितनी हुई सैंतालीस अब सैतालीस इंटू दो प्लस एक कितनी हुई पिचानवे अब क्या पिचानवे इंटू दो प्लस ए कितनी हुई है आपके एक सौ इकानवे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है बिल्कुल सही आंसर है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका न्याय वाक्य से है आपको बताना है आपको निष्कर्ष दिया हुआ है एक कथन दिया हुआ है उसके तीन आपको निष्कर्ष दिए हुए सॉरी यहाँ पे क्या है डैश का साइन ये तीन स्टेटमेंट है इनके तीन क्या है कंक्लूजन है और आपको बताना है इन तीनों कंक्लूजन में से कौन सा निष्कर्ष आपको अनुसरण करता है ऑप्शन में अपना आंसर टाइप करें अब देखो पहला कथन है कि सभी डिब्बे क्या हैं कुत्ते हैं अब क्या है सभी डिब्बे क्या हैं सभी डिब्बे हैं आपके सभी डिब्बे हैं आपके डिब्बों को लिख रहा हूं मैं डी दि सभी डिब्बे क्या हैं कुत्ते हैं कुत्ते को लिख रहा हूं मैं की? सभी के सभी डिब्बे क्या हैं कुत्ते हैं फिर क्या कह रहा है कुछ कुत्ते क्या हैं आपके कुछ कुत्ते क्या हैं चूहे ये लो साहब कुछ कुत्ते क्या हो गए चूहे हो गए को क्या लिख रहा हूं यानी चूहा। कुछ कुत्ते क्या हो गए चुहे हो गए फिर क्या कह रहा है कि कुछ चूहे है? है क्या है? सेव है। सेव हैं, कुछ चूहे क्या हैं आपके सेब है सेब हैं कुछ चूहे क्या हैं, येलो साहब कुछ चूहे क्या हो गए आपके कुछ चुए हो गए आपके सेब अब आपको जो सही सही लगे जो आपको दिखे गए नारे में वो तो बिल्कुल राउट राइट होगा बाकी सभी क्या हो गए गलत हो गए अशोक कुमार सैनी ही अब देखो आप धन्यवाद अब देखो पहला कथन क्या आपका कि कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है अब देखो ये डिब्बे हैं सभी डिब्बे क्या हैं कुत्ते हैं तो पहला निष्कर्ष तो क्या हो गया आपका गलत हो गया अब सेकंड देखो।, देखो क्या है कुछ चूहे कुत्ते नहीं है अब कुछ चूहे देखो यहाँ पे रे। कुछ चूहे कुत्ते हैं कुछ चूहे कुत्ते हैं ये मैं वे नारेख में दिख रहा है कुछ चूहे कुत्ते हैं पर कुछ चूहे कुत्ते नहीं है ये वे नारेख में इसमें क्या है यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ चूहे कुत्ते हैं तो ये भी आपका क्या हो गया गलत हो गया अब क्या कुछ सेब क्या है चूहे हैं अब देखो कुछ सेब क्या है चूहे हैं यहाँ पे कुछ सेब क्या हैं चूहे हैं तो निष्कर्ष कौन सा हुआ निष्कर्ष फर्स्ट थर्ड आपका बिल्कुल सही है बाकी सब भी आपके क्या हैं गलत हैं देखो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है पहेली से इस वक्त ये किसकी पहेली है सिटिंग अरेंजमेंट की पहेली है आपको आठ व्यक्ति दिए गए हैं और आठ व्यक्तियों में था से आपको बताना है कौन सा व्यक्ति किस स्थान पर बैठेगा और सभी का मुंह किस दिशा में है सभी का मुंह है उत्तर दिशा में आपको बताना क्या है एच व कुछ ए के बीच में कितने व्यक्ति है क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि एच व ए के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं वो आपको बताना है तो सबसे पहले क्या करोगे आप पहली को पढ़ो सबसे पहले कितने स्थान हैं कितने व्यक्ति हैं आठ व्यक्ति है तो एक सीधी रेखा बनाते हैं हम लो साहब सीधी रेखा हो गई अब इसमें कितने स्थान फिक्स करोगे आप आठ स्थान फिक्स करो ये देखो कितने स्थान फिक्स करोगे इसमें आठ स्थान फिक्स सभी का मुँह किस दिशा में करोगे आप उत्तर दिशा की ओर दो तीन चार पांच छ ये लोग कितने हो गए सात स्थान हो गए अब क्या क्या सभी का मुँह उत्तर की दिशा में है तो आपको तो पता तो होगा कि उत्तर कौन सी दिशा होती है और पूरा तो आप देखो तो ऊपर की तरफ क्या होता है आपके उत्तर ऊपर की तरफ क्या होता है आपके उत्तर और नीचे की तरफ होता है आपके दक्षिण इस तरफ होता है आपके पश्चिम इस तरफ होता है आपके पूर्व जब उत्तर की तरफ मुंह हो तो बाई तरफ ये होती है आपकी घड़ी की दिशा में जब चलते हैं है तब गिनते हैं बायाँ और ये होती है आपकी घड़ी की विपरीत दिशा में होता है आपके दाया अब क्वेश्चन को पढ़ो जो जो आपको स्टेटमेंट बिल्कुल सही ले उसको तुरंत बचाओ बाकी को आप साइड में रखो अब देख देखा ए के बाई और केवल तीन व्यक्ति है ये आपको फिक्स हो गया है कि ए के बाई और केवल तीन व्यक्ति बैठेंगे तीन से अधिक व्यक्ति के बाई और नहीं बैठेंगे अब बाई तरफ कौन सी ये तो ए को मैं कहाँ बैठाऊंगा यहाँ पे बैठाऊंगा यहाँ के बाई और कितने व्यक्ति एक बाई और कितने व्यक्ति है केवल तीन व्यक्ति है फिर देखो बी है ना ए के दाई और तीसरे स्थान पर बैठा है अब ए के दाई तरफ चलेंगे तीसरे स्थान कौन है ए के दाए चलेंगे घड़ी की इस दिशा में चलेंगे एक दो तीन यहाँ पे कौन है एक दाएं बी है फिर है आपके फिर क्या है बी व डी के बीच के में केवल चार व्यक्ति बैठे हैं अब क्या कह रहा है बी व डी के बीच में केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं चार अब बी इस स्थान पर है तो डी इस तरफ आएगा कितने व्यक्ति हैं एक दो तीन चार तो डी किस स्थान पर आ गया डी आ गया आपके इस स्थान पर फिर आगे कह रहा है कि एफ जी एफ क्या है जी के दाई और बैठा है ठीक बगल में एफ क्या बैठा है एप बैठा है आपके जी के दाई और ठीक बगल में तो दोनों किस स्थान पर आएंगे जहां पे दो स्थान कर्मागत हो अब देखो यहाँ पे कंटिन्यू दो स्थान ही है यहाँ पे है दोनों स्थान क्या है कर्मागत है यहाँ पे दो स्थान एक साथ है एक जगह पे है खाली है तो क्या हो गया जी है एफ आपके आगे इस स्थान पे जी के ठीक दाई कौन बैठा है एफ बैठा है आगे देखो जी पंक्ति के किसी सिरे पर नहीं बेटा सी किसी पंक्ति के सिरे पर नहीं बेटा हमारे पास बचे कितने स्थान स्थान दो इस्थान और बचे क्वेश्चन कह रहा है कि सी सी पंक्ति के सिरे पर पर नहीं है तो किस स्थान आ गया आपके इस स्थान पर आ गया अब बचा कौन बचा आपके ओनली एच तो बचा जो स्थान है उस पर क्या आ जाएगा आपके एच क्वेश्चन की डिमांड क्या है क्वेश्चन की डिमांड है ए एच के मध्य कितने व्यक्ति हैं तो ए एच के मध्य देखो एच ये रहा इनके मध्य कितने व्यक्ति हैं ओनली दो व्यक्ति हैं तो ऑप्शन नंबर फोर आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सही है अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी से आपको बताना है उस विकल्प का चेंज करना है जो यहां पे आई उस ऑप्शन का चेंज करो चूज करो जो प्रश्नवाचक चिन्ह के, चिन के स्थान पर आए तो बताओ अब देखो आप पहले से दोनों शब्दों को देखो आप यहाँ पे क्या है डी जी एस पी ई एस अब इनको देखो तो क्या तरफ देखोगे पीछे की तरफ से क्या हो रहा है जो पीछे का यह है यहाँ पे क्या हो रहा है सी से क्या हो रहा है डी कितने हो रहे हैं प्लस एक फिर क्या हो रहा है e ई से क्या हो रहा है जी मतलब प्लस टू फिर क्या हो रहा है एस से पी पी से क्या हो रहा है एस मतलब प्लस तीन अंतिम सेकेंड शब्द का अंतिम लेटर में प्लस एक होके फर्स्ट शब्द का फर्स्ट लेटर हो रहा है और सेकेंड लेटर में दो अधिक होके सेकेंड लेटर हो रहा है और फर्स्ट लेटर में तीन अधिक होके अंतिम लेटर में परिवर्तन हो रहा है प्रियांशु राठौर सर इसमें आठ लोग हैं क्या आठ लोग हैं देखता हूं मैं बार हां आठ लोग आठ लोग हैं फिर आठ लोग हैं तो मैं आपको ये क्वेश्चन लू फिर से बताऊंगा आपको सात रखे हाँ बिल्कुल सही है आठ लोग हैं अब देखो क्वेश्चन तक कहा तो पंक्ति के अंतिम सिरे पे नहीं है अब मैं देखता हूँ आठ लोग हैं अब मैं इन इनको आपको फिर से एक एक स्थान और ऐड कर लेता हूँ मैं ये लो एक स्थान और ऐड कर लिए आठ अब देखो फिर से बता देता हूँ मैं जल्दी से क्या है कि ए के बाई और केवल तीन व्यक्ति है ए के बाई और कितने व्यक्ति हैं केवल तीन आपको पता है बाई तरफ ये होगी ए के बाई और कितने व्यक्ति हैं तीन व्यक्ति आगे कह रहा है कि बी है ना ए के दाई और तीसरे स्थान पर है बी ए के दाई और दाई तरफ चलेंगे तो बी आ गया आपके इस स्थान पर ए के बाई और ए के दाई तरफ तीसरे स्थान पर हो गया बी आगे आपके बी व डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं चार अब बी व डी के बीच में देखो एक दो तीन व चार बी व डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं चार व्यक्ति हैं बिल्कुल सही है आगे देखो एफ व जी के दाई और है एफ जी के दाई बैठा है एफ जी इसी स्थान पर भी आ सकते हैं इसी स्थान पर भी आ सकते हैं तो इनको साइड में लिख लो आप एफ क्या है जी के दाई और तरफ बैठा है तो एफ जी के दाई तरफ बैठेंगे ये दोनों क्या बैठेंगे क्रमागत फिर आगे कह रहा है कि सी पंक्ति के सिरे पर नहीं है तो सी आपके इसी स्थान पर नहीं आएगा मतलब सी इन दोनों स्थानों पर सी आपका नहीं आएगा फिर आपके कह रहा है ई है ना एच के दाई और ई है ना एच के दाई और किसी एक स्थान पर बैठा है ये है ना आपके एच के दाई और बैठा है किसी एक स्थान पर बैठा है और एच और मध्य कितने व्यक्ति हैं तो और देखो कोई है क्या एप जी के दाई और पंक्ति के किसी सीरी पर नहीं बैठा है एक बाई और केवल तीन व्यक्ति हैं अब और एफ बैठेंगे आपके अब देखो अब बचा को अब देखो मैं जीवा ऐप को इसी स्थान पर बैठा था जीवा ऐप को इसी स्थान पर बैठा तो सी आपका इसी स्थान पर नहीं आएगा तो सी बचा बैठेगा किस इसी स्थान पर फिर आगे कह रहा है कि आगे कह रहा है एच है ना आपके ई के दाई तरफ बैठेगा अब एच ई के दाई तरफ किसी स्थान पर बैठेगा फिर एच आपके यहीं बैठेगा मतलब आपको यही डायरेक्शन फिक्स होगी जी और ऐप को मैं यहाँ बैठाता था हूँ सी आपके इसी स्थान पर आ जाता है और फिर ई के दाई तरफ कौन है अब ई के दाई तरफ अब ई यहां ही स्थान पर कौन बैठेगा एच ई के दाई ना एच के दाई और किसी एक स्थान पर बैठेगा ई क्या बैठेगा? एच के दाई और किसी एक स्थान पर बैठेगा एच क्या होगा ई e के दाई और किसी एक किस स्थान पर एच ई e क्या हो एच के दाई और किसी एक किस स्थान पर बैठे गए तो फिर एच फिर एच आ जाएगा आपका इसी स्थान पर और ई e आ जाएगा आप इस स्थान पर एच के दाई तरफ हो गया किसी एक किस स्थान पर यह जच गई पूछा क्या है एच और ए के बीच में अब देखो एच और ए के बीच में फिर भी कितने व्यक्ति आए दो ही व्यक्ति आए ऑप्शन नंबर फोर आपका बिल्कुल सही आंसर है राम राम बिजवेंदर प्रियांशु आ गया समझ में अभी अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन हो गया था सॉरी ये क्वेश्चन ही करना था आपको क्या हो रहा था यहां पे प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री अब इसमें भी देखो एम ए एम में क्या करो प्लस वन करो अब देखो एम से एन में देखो प्लस वन हो रहा है फिर एच से क्यू के मध्य कितना हो रहा है क्यू से एस के मध्य कितना हो रहा है टू फिर क्यू से टी के मध्य तीन अब इसी तरीके से क्या करो यहाँ पे देखो ये तीन अक्षर हैं यहाँ पे क्या आएगा इसमें एक अधिक हो गया आएगा तो डी में एक अधिक तो करने पर क्या प्राप्त होगा तो आपको ई अब एच कब आएगा जब एफ में कितने अधिक करेगी दो सेकेंड से में कितना अधिक हो रहा था दो एफ डी एफ डी अंत में किसमें इसमें इस है तो मतलब ये दोनों क्या हो गए गलत फिर देखो अब के में क्या है तीन हो कह है के तीन अधिक किसमें होगा क्या के, के तीन अधिक किस में हो के आपका एच में तीन अधिक करेंगे तो कितने आएगा आपका के आएगा तो ऐसे स्टार्ट होगा तो ऑप्शन नंबर फोर आपका बिल्कुल सही आंसर है अगला क्वेश्चन आपका किससे है छिपी हुई आकृति से आपको बताना है कि कौन सी आकृति है प्रश्न आकृति के अंदर नीत है कंडीशन क्या दे रखी है कि आकृति को घुमाने की आवश्यकता नहीं है जैसी आकृति आपको ऑप्शन की जैसी आकृति है वैसी ही आपको प्रश्न आकृति दिखनी चाहिए बताइए आंसर बताइए अपना अब देखो ऑप्शन नंबर एक को चेक करो ये ये संरचना आपको प्रश्न आकृति में दिख रही है कहीं दिख तो रही है ये देखो परि बिन कैसे है बिन कैसे जो मध्य वाली ये जगह है ना मध्य वाली ये जगह ये काफी बड़ी है जबकि यहाँ पे क्या है तीनों कॉलम समान है क्या है तीनों कॉलम क्या है समान है तो ऑप्शन नंबर एक तो क्या हो गया आपका गलत हो गया ये भी नहीं है ये क्या है लंबवत है जबकि यहाँ पे क्या है तिरछी है और तीनों कॉलम समान है इसमें यहाँ पे भी समान नहीं है तो यह क्या होगी गलत होगी दो कॉलम एक दूसरे को स्पर्श करते हुए आपको नजर आ है रहे हैं और दोनों कॉलम कैसे हैं समान है नजर आ रहे हैं प्रश्न आकृति में ये भी नहीं है ऑप्शन नंबर फोर की आकृति आपको दिखाता हूं मैं प्रश्न आकृति में देखिए आप इधर ये देखिए कैसी है ऑप्शन की जैसा ऑप्शन फोर की आकृति अब देखो ऑप्शन फोर की आकृति ऐसी जो आपको प्रश्न आकृति में दिख रही है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन आपका किससे श्रृंखला क्लास से है आपको बताना इस वक्त आपको दिव्य संख्याओं की श्रेणी दी गई है आपको बताना है इस स्थान पर कौन सा शब्द आएगा अब देखो आप अब क्यों आता है आपके किस पर क्यों आता है आपके सत्रह पर डब्लू कितने पर आता है आपके बीस पर आता है Z आता है आपके छब्बीस पर सी आता है आपके तीन पर अब क्या हो रहा है पहले लेटर में क्या हो रहा है देखो क्या हो रहा है प्लस तीन छब्बीस में प्लस तीन करने पर क्या आएंगे आपके तीन ही आएंगे इसी तरीके सत्रह में प्लस तीन करोगे आप तो क्या प्राप्त तो होगा आपको बीस बीस पर क्या आता है आपके टी तो पहला लेटर क्या होगा आपके टी तो पहला लेटर कौन सा है टी ओनली ऑप्शन नंबर फोर में है बाकी क्या हो गया आपके गलत इसी तरीके से अगले शब्द को पता लगे क्यों आता आपके सी पर जी आता आपके सात पर आई आता आपके नौ पर क्या आता है आपके ग्यारह पर अब सेकंड शब्द में क्या हो रहा है प्लस टू हो रहा है फर्स्ट में क्या हो रहा था प्लस थ्री हो रहा था सेकंड में क्या हो रहा है प्लस टू अब सी में प्लस टू करोगे तो क्या प्राप्त होगा आपको ई सेकंड शब्द क्या आएगा आपको ई आपको प्राप्त हो, हो रहा है अब तीसरा देखो एस आता आपके उन्नीस पर क्यों आता आपके सत्रह पर पी आता है आपके सोलह पर और ओ आता है आपके पंद्रह पर तीसरे शब्द में क्या हो रहा है तीसरे शब्द में हो रहा है एक एक माइनस हो रहा है अब एस में एक माइनस करोगे तो क्या प्राप्त होगा आपको आर इसी तरीके से डी आ रहा है आपके फोर पर जेड आ रहा है आपके छब्बीस पर एक्स आ रहा है आपके चौबीस पर और वी आ रहा है आपके बाईस पर मतलब क्या हो रहा है टू माइनस हो रहे हैं अब जब डी में टू माइनस करोगे तो क्या प्राप्त होगा आपको बी तो अंतिम लेटर क्या हो गया आपका बी तो ऑप्शन नंबर फोर आपका क्या है बिल्कुल सही आंसर है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अब देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है अगला क्वेश्चन आपका रिक्त आकृति से सॉरी आकृति से आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी अब देखो आकृति में कितनी आकृतियां हैं पांच आकृतियां हैं अब किसी एक आकृति को केंद्रित करो अब देखो इस आकृति में देखो जो फर्स्ट स्थान पर जो आकृति है वो थर्ड स्थान की आकृति किस स्थान पर आ रही है फर्स्ट स्थान पर आ रही है और फोर्थ फोर्थ नंबर की आकृति तीसरे स्थान पर आ रही है और ये आकृति आ रही है आपके इस आकृति की जगह क्या आ रहा है एक नया लेटर आ रहा है इसी तरीके से देखो यह थर्ड आकृति हो गई आपके यहाँ पर भी फर्स्ट स्थान पर है? और फोर्थ आकृति किस स्थान पर होगी थर्ड स्थान पर है? और थर्ड वाली आकृति होगी अरे इस आकृति की जगह क्या होगी एक नई आकृति ये पैटर्न है इसमें यह तरीका लग रहा है अब इसी तरीके से इसमें देखो थर्ड वाली थर्ड वाली आकृति आ गई फर्स्ट स्थान पर और यह आ गई अंतिम स्थान पर इसकी जगह क्या आ गया एक नया मतलब फर्स्ट आकृति की जगह एक नई आकृति आ रही है अब इसी तरीके से देखो इसमें क्या होगा थर्ड वाली आकृति क्या आ जाएगी फर्स्ट स्थान पर मतलब ऐसा जाएगा यहाँ पे यहाँ पे और सेकेंड आकृति कौन होगी आपकी ये क्या होगी एक लंबत रेखा है फिर क्या होगा आपके ये सी वाली आकृति किस स्थान पर आ रही है आपके तीसरे नंबर की सेकेंड नंबर की आकृति किस स्थान पर जा रही है अंतिम स्थान पर जा रही है तो सी कौन सा आ जाएगा अंतिम स्थान बच्चा क्या है स्टार अब स्टार की जगह क्या आएगा एक नई आकृति आएगी अब देखो एस टी और सी एस एस टी आएगा ऊपर ये गलत है यहाँ भी गलत है एस टी आएगा सॉरी एस और एस टी का मतलब मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे एस और एस के नीचे कौन सा आएगा तीर का साइन इसमें एस है इसमें एस है और तीर का साइन है इसमें भी तीर का साइन है इसमें भी तीर का ये गलत है एस से शुरू होगा अब नीचे क्या आएगा सी आएगा सबसे नीचे क्या आएगा सी है इसमें मतलब यह भी गलत होगा अब इसी स्थान पर क्या आएगा स्टार तोड़ेगा स्टार की जगह क्या आएगी एक नई आकृति नई आकृति क्या है टी है क्योंकि स्टार में प्रश्न में दिया हुआ है टी है एक नई आकृति क्योंकि प्रश्न आकृति में टी आपकी नहीं है तो ऑप्शन नंबर तीन आपका क्या है सही हो गया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन आपका रिलेशन से है ये रिलेशन की कौन सी टाइप है यह है कोडिंग रिलेशन आपको बताना है इसका आपको बताना है यह क्वेश्चन की डिमांड क्या है एफ व एफ व ए एफुए के मध्य संबंध बताना है जहां पर भी आपको एफ ए अब देखो एफ से में ए अंत में है ए अंत में है एफ से में मतलब आपको पूरा क्वेश्चन हल करना पड़ेगा अब देखो सबसे पहले रिले क्या हम करते हैं मिलिट्री बनाते हैं हम ये देखो अब क्या है प्लस का मतलब क्या है प्लस का मतलब है कि पी क्या है पी क्या है क्यू की क्या है बेटी है यहाँ पे क्या है ए किसकी बेटी होगी एक बेटी है किसकी बी की बेटी है माइनस का मतलब महिला प्रतिशत का मतलब क्या है पी क्या है क्यू का बाई है तो बी किसका भाई हो गया बी बाई है किसका सी का बी बाई है सी का फिर इक्वल का साइन क्या है क्यों बेटा है पी बेटा है किसका क्यों का इस प्रकार सी किसका बेटा हो गया डी का सी बेटा है किसका डी का फिर यह क्या कह रहा है ये साइन कि पी क्या है क्योंकि पत्नी है तो डी किसकी पत्नी है डी पत्नी है किसकी है ऐप की है तो ऐप क्या हो गया पति हो गया यह बन गया आपके क्या फैमिली ट्री पूछा क्या है ए से किस प्रकार संबंधित है तो बताना है कि एफ एक का क्या लगेगा यदि एफ इसका पिताजी है तो इसका भी पिताजी हो गया और इसका क्या लगा इसका क्या लगा एफ दादा लगा क्योंकि एक का क्या है ये पिताजी और इसके पिताजी कौन है एफ है तो एक क्या लगे एफ एफ एक का लगा दादा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा प्रियांशु का आंसर आ रहा है टू टू नहीं होगा प्रियांशु इसका आंसर होगा तीन दादा लगेगा एफ ए का एफ का संबंध बताना है ऐसे तो एफ ए का क्या लगेगा दादा लगेगा अब आप एक बात बताऊं जब यहाँ पे दादा ने दे के क्या दे देता नाना तो आपका ये ऑप्शन भी सही होता क्योंकि दादा को रीजनिंग में नाना भी कहते हैं और नाना को क्या कहते हैं दादा भी कहते हैं मतलब ये दोनों शब्दों में से कोई एक भी होता यहाँ पे ऐसे दे देता दादा दादा की जगह देते दे नाना दोनों शब्द आपको एक साथ नहीं देगा और दोनों शब्द आपको एक साथ देता है तो उसी स्थिति में आपको वही चूज करना जो आपके वर्तमान में रिलेशन चल रहे हैं सही है अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन आपका गणितीय संक्रिया से आपको बताना है कि किन दो चिन्हों को आपस में परिवर्तन करें ताकि आपको 24 आपको प्राप्त हो जाए अब देखो अब देखो क्या 24 प्राप्त करना है प्लस इसकी जगह क्या लिखना है आपको अब आप देखो 24 प्राप्त करना है इसकी जगह लिखना है आपको प्लस और प्लस की जगह लिखना है माइनस बारह से डिवाइड अब देखो चौवन को एक सौ आठ से डिवाइड गुना करोगे तो आपको कितने होंगे चार अब चार में से आप चार ऐड करोगे असा 2s मान करोगे तो आपको चॉइस प्राप्त नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर ये आपका कैंसिल हो गया मतलब आपको चॉइस छोटी संख्या प्राप्त करनी है तो सिंपल सा फंडा है कि गुणा का साइन चेंज होगा गुणा का साइन चेंज किसमें हो रहा है इसमें भी नहीं हो रहा इसमें हो रहा है गुणा का साइन की जगह क्या आ रहा है प्लस अब गुणा के साइन की जगह लिखना, लिखना, लिखना है आपको प्लस और प्लस की जगह क्या लिखना है आपको गुणा यह लिखना है अब देखो अब देखो बासठ चौवन और आठ कितने होते हैं आपके बासठ चौवन और आठ कितने होते हैं आपके बासठ होते हैं चौवन में आठ होते हैं आपके बासठ फिर करना क्या है इनको डिवाइड करो कितने होंगे चार माइनस बासठ में चार माइनस करोगे तो आप कितने प्राप्त होंगे अट्ठावन अब इसी तरीके से अब इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है मतलब आपका ये भी नहीं होगा अब इसको देखो प्लस अब आपको क्या चाहिए दो सौ चौबीस में क्वेश्चन में देख लेता हूं कि प्लस की माइनस बाकी जगह लिखना है आपको माइनस और माइनस की जगह लिखना है आपको बाघ ऑप्शन नंबर सेकंड को चेक करो माइनस की जगह लिखना है आपको बाघ और बाकी जगह लिखना है माइनस अब देखो क्या है चौवन इंटू आठ डिवाइड बाइड कितने होते हैं अड़तालीस माइनस बारह प्लस सत्ताईस ये है ऑप्शन नंबर टू से चेक कर रहा हूं मैं अब क्या होगा कितने होंगे छः अब यहां से काटेंगे चौवन को नौ बार अब देखो नौ माइनस बारह प्लस सत्ताईस अब नौ और सत्ताईस कितने होते हैं आपके नौ व सत्ताईस होते हैं आपके छत्तीस अब छत्तीस में से बारह जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके चौबीस तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका बिल्कुल सही आंसर है बाकी सभी क्या है आपके गलत हैं सही है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन आपका कि दो आपको समूचे चार ऑप्शनों में से किसके मध्य है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम इन समूचे के मध्य संबंध पता करते हैं समूचे में क्या है छ एक सौ पैंतीस व नौ अब देखो आप छह व पंद्रह को नौ को ऐड करोगे आप तो कितने प्राप्त होंगे आपको पंद्रह जब इस पंद्रह को क्या करोगे नौ से गुना करोगे तो कितने प्राप्त होंगे आपको एक सौ पैंतीस इसी तरीके से आप देखो तेरह तेरह और सोलह का ऐड करो आप कितने प्राप्त होंगे आपके उनतीस अब उनतीस को नौ से गुणा करोगे तो कितने प्राप्त होंगे आपको दो सौ इकसठ दोनों में सेम तरीका है इसी तरीके से देखो आप देखो सत्रह और सात को ऐड करो सत्रह और सात को ऐड करोगे तो आपको कितने प्राप्त होंगे अब चोईस को नौ से गुना करो नौ चौक छत्तीस तीन नौ दोनों अट्ठारह और तीन कितने हो गए आपके इक्कीस तो आपका क्या हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही हो गया बाकी क्या है आपके सभी क्या है? गलत है आया समझ में ए बिल्कुल सही था ब्रजेंद्र का बिल्कुल सही है ए आंसर होगा अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन आपका क्या है दर कागज आकृति से है आपको बताना कागज को पहले इस तरह मोड़ा गया फिर नीचे की तरफ कागज को मोड़ा गया फिर जो ये नीचे की तरफ मोड़ने के बाद जो हमें कागज प्राप्त हुआ उस पर दो क्या है आकृतियां बनाएंगी अब तो आप बताओ कागज को खोने पर आपको कागज कैसा दिखाई देगा ध्यान में रखिए कागज को जिस तरीके से मोड़ा गया उसी तरीके से खोलेंगे और कागज को कागज आकृति को हमेशा याद रखना पीछे की तरफ से कौन यहाँ से स्टार्ट करना पीछे की आकृति से अब बताओ कौन सी आकृति है जो आपको कागज़ पर दिखाई देगी का आंसर आ रहा है बी अभी चेक करते हैं अब क्या करोगे अब आकृति को पीछे की तरफ से खोलेंगे अब क्या पहले क्या अब मोड़ा गया था नीचे की तरफ अब इनको खोलेंगे की। अब ऊपर की तरफ खोलेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा जबकि यहाँ पे क्या दिखेगा ये पूरा ब्लैक यहाँ पे क्या दिखेगा ऐसे दिखाई देगा फिर किस तरफ खोलेंगे इस तरफ मोड़ा गया था अब इस तरफ खोलेंगे अब इस तरफ खोलेंगे तो आपको एक वर्त यहाँ पे दिखाई देगा दिखा एक वर्त यहाँ पे जबकि ये आकृति आपको इस स्थान पर क्या होगी दिखाई देगी आपको ऐसे हाँ याद रखिए सभी आकृतियां क्या होंगी एक सिद्ध में होगी तो ये ऑप्शन नंबर कैन कैंसिल थ्री भी कैंसिल अब इसमें देखो सभी आकृति क्या है एक सिद्ध में है तो ऑप्शन नंबर टू सही है आपका ये आपका गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर बी बर्जेंदर और प्रियांशु का आंसर बिल्कुल सही है प्रियांशु राठौड़ का आंसर बिल्कुल सही है अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन आपका किससे है श्रेणी से आपको बताना है वाचक चिन के स्थान पर कौन सी श्रेणी आएगी बताओ अब श्रेणी को देखो श्रेणी 416 के बाद में तीन क्या इकतालीस फिर ये फिर ये अब इनको गुणा की देखें, तो ये श्रेणी की तो नहीं है किसकी या तो प्लस की या माइनस की अब इनके मध्य सबसे पहले क्या देखो अंतर अब देखो चार से सोलह से हो रहा? हो रहा। तीन सौ इकतालीस से तीन सौ इकतालीस माइनस हो रहा है अब ग्यारह में पांच छ कितना हो रहा है पैंसठ माइनस हो रहा है फिर तीन सौ इकतालीस से सॉरी पिछेत्र माइनस हो रहा है ग्यारह में से 6 गए तो 5 छह में से एक गया तो पांच और ग्यारह में से चार गए तो सात मतलब पिछेत्र माइनस है यहाँ पे देखो छब्बीस दो सौ छितर और तीन सौ इकतालीस के मध्य अंतर कितने का है चौबीस और इकतालीस कितने होते हैं आपके पैंसठ चौबीस इकतालीस कितने होते हैं आपके पैंसठ मतलब पैंसठ का अंतर है मतलब यहाँ पे कितने तीन सौ में से यहाँ पे चौबीस कम है यहाँ पे तीन सौ में से कितने अधिक है इकतालीस तो दोनों को ऐड करो तो कितने हो गए पैंसठ होंगे आपके कितने का अंतर है पैंसठ का अंतर है अब यहाँ पे देखो इकतालीस एक सौ इकतालीस और एक सौ सोलह में अंतर कितने का है एक सौ सोलह में एक सौ इकतालीस में पच्चीस माइनस करोगे तो कितने प्राप्त होंगे आपको एक सौ सोलह और यहाँ पे देखो एक सौ और एक सौ इकतालीस में देखो छह में से आपके एक गए तो पांच और सात में से चार गए तो तीन मतलब माइनस पैंतीस हो रहा है अब देखो यहाँ पे पिछहत्तर माइनस यहाँ पे पैंसठ माइनस मतलब दस का माइनस यहां पर भी देखो अंत में देखो पैंतीस के बाद में पच्चीस माइनस हो रहा है मतलब दस कम माइनस हो रहा है तो मतलब यहां पर भी कितना होगा दस कम माइनस पैंसठ में दस करोगे तो आपको कितने होंगे पचपन माइनस करना है अब तो दो सौ छितर में से पचपन माइनस करोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा दो सौ इक्कीस दो सौ इक्कीस कौन से में है ऑप्शन नंबर टू में अब पचपन के बाद में कितना माइनस होगा पैंतालीस अब देखो पैंतालीस माइनस करो अब ग्यारह में से पांच जाने पर आपको प्राप्त होंगे छह ग्यारह में से चार जाएंगे तो सात एक सौ छिंत्र आपको प्राप्त हो रहा है तो ऑप्शन नंबर टू आपका क्या है बिल्कुल सही आंसर है। प्रियांशु का आंसर बिल्कुल सही है का आंसर भी बिल्कुल सही है। आपका क्वेश्चन है क्या है दोस्त अब यहां पे मेरे पास जगह नहीं है तो मैं साइड में लिखता हूं क्या है कि दो पंक्तियां हैं पहली पंक्ति में छह सात आठ वन नौ ये क्या है व्यक्तियों के नाम है इनका मुंह किस तरफ है दक्षिण की तरफ है चार व्यक्ति व्यक्तियां दूसरी में क्या है एक दो तीन चार है इन सभी का मुंह किस तरफ है उत्तर की तरफ मतलब टोटल हमारे पास आठ व्यक्ति हैं और दो पंक्तियां हैं आठ व्यक्ति हैं प्रत्येक पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं चार व्यक्ति हैं तो मैं यहाँ पे दो पंक्तियां बना रहा हूं पंक्ति फर्स्ट और पंक्ति सेकंड। अब क्या है चार का मुंह है चार का मुंह दक्षिण दिशा में अब दक्षिण दिशा में मुंह होगा तो नीचे की तरफ होगा मतलब इनका मुंह किस तरफ है दस दक्षिण की तरफ है इन चार व्यक्तियों का मुंह है दक्षिण की तरफ और इन चार मुंह व्यक्तियों का मुंह किस तरफ है उत्तर की तरफ है ये लोग इनका मुंह है दक्षिण की तरफ और इनका मुंह है उत्तर की तरफ इनका मुंह है किस तरफ उत्तर की तरफ इनका मुंह है दक्षिण की तरफ दक्षिण की तरफ जिसका मुंह है यहाँ पे कौन है छ सात आठ मतलब इस पंक्ति में कौन बैठे हैं छ सात आठ व नौ और जिनका मुंह इन... है इन सॉरी जिनका मुंह दक्षिण की तरफ है उनमें बैठे हैं छ सात आठ नौ पहले जिनका मुंह दक्षिण की तरफ है उसमें कितने व्यक्ति बैठे हैं छह सात आठ नौ ये ये व्यक्ति बैठे हैं और जिनका मुंह उत्तर की तरफ है उनमें कितने व्यक्ति बैठे हैं चार व्यक्ति बैठे हैं एक दो तीन चार अब आपको बताना है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ पे बैठा है अब पंक्ति को पढ़ो और देखो अब क्या कह रहा है नो उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है अब नो कौन से है नो है जिसका मुंह दक्षिण की तरफ है अब नो पंक्ति के बाएं सिरे पर अब जिस दक्षिण जिनका मुंह दक्षिण तरफ है उनका बाया हिस्सा कौन सा होगा उनका बाया हिस्सा होगा ये इसका और दाया हिस्सा ये होगा तो नो किस स्थान पर बैठा है नो बैठा आपके बाई स्थान पर ठीक है नो उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है मतलब बाएं सिरा ये हो गया और बाएं सिरे पर जो व्यक्ति बैठा है उसके बगल में बैठा है मतलब नो इस स्थान पर बैठा है फिर क्या कह रहा है और चार के ठीक सामने बैठा है अब चार के ठीक सामने बैठेगा तो चार कहाँ पे बैठेगा आपके इसी स्थान पर बैठेगा फिर कह रहा है तीन उसकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पे बैठा है अब तीन इनका मुंह उत्तर की तरफ है तो इनका बाएं सा कौन सा ये होगा और तो तीन कहाँ पे बैठा है बाएं सिरे पर बैठा है तो तीन आपका बैठ गया इसी स्थान पर फिर कह रहा है और दो उसके ठीक बगल में बैठा है अब दो इसके ठीक बगल में बैठा है किसके तीन अपनी पंक्ति के बाहसी अंतिम बैठा है और उसके ठीक बगल में कौन बैठा है दो तो एक बैठ गया आपके इसी स्थान पर आगे आगे उत्तर की ओर मुंह करके उत्तर की ओर आगे पूछा है हमारे पास इतनी जानकारी थी अब हम क्या है छह सात आठ को हम बैठा नहीं पाए हमें जानकारी दी हुई नहीं है क्वेश्चन की डिमांड क्या है क्वेश्चन की डिमांड क्या है उत्तर की ओर मुंह करके बेटी पंक्ति के दाएं सिरे पर कौन बैठा है अब जो व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं नीचे वाली पंक्ति के व्यक्ति सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं इनका हमें पता पड़ गया कि कौन सा व्यक्ति किस स्थान पर बैठा है पूछा क्या है अंतिम दाएं सिरे पर अब तो इस पंक्ति का बाएं हिस्सा ये है तो दाएं हिस्सा तो कौन सा होगा यह होगा दाया हिस्सा उत्तर की तरफ मुंह तो है? है तो दाएं सिरे पर कौन बैठा है एक बैठा है तो ए कौन से विकल्प में विकल्प नंबर फोर आपका बिल्कुल सही आंसर है समझ में आया विकल्प नंबर डी सही आंसर है अब मैं आपको एक जानकारी देता हूँ आज शाम को साढ़े चार बजे हमारी रीजनिंग की क्लास चलती है वहाँ पे क्या होगा आज ब्लड रिलेशन का टॉपिक क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा तो आप बताओ कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ोगे रीजनिंग के अंदर आज ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक का नाम बताओ आप कमेंट बॉक्स में वही टॉपिक हम कल शाम को साढ़े चार बजे से स्टार्ट करेंगे बताइए ब्रजेंद्र कह रहे हैं कि सर लुप्त संख्या हाँ तो ठीक है कल हमारी क्लास रहेगी साढ़े चार बजे से रहेगी और कल से आपका टॉपिक चलेगा लुप्त संख्या क्या चलेगा लुप्त संख्या चलेगा ठीक है यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन दबा दीजिए तथा अपना कमेंट अवश्य करें धन्यवाद